नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतनी गंभीरता से देश के पत्रकार सहित और लोग क्यों लेते हैं। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में कुछ खलबली है? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में सिनेरियो बदलने वाला है? क्या वास्तव में 2027 में योगी आदित्यनाथ उससे पहले हटने वाले हैं या नहीं हटने वाले हैं? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। सत्ता के गलियारों में आए दिन इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिल जाती हैं। अब बात यहां पर यह है कि क्या ये बात सत्य होगी कि नहीं होगी। फिलहाल जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सिर्फ कयासों पर ही जिंदा हैं और कयासों पर ही अपनी कयास लगाते रहते हैं। उसी कयास में हम भी आ चुके हैं और आपको हम उस तरह के कयास नहीं बल्कि हम आपको तर्क संगत विषय रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। अगर देखा जाए तो अभी भी उनके पास पूरे के पूरे 2 वर्ष बाकी हैं। 2 वर्ष से पहले ये अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, या योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे? अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस और उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा तो छोड़ दीजिए, अन्य दल भी अब सहमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ तो योगी आदित्यनाथ का डंका बसता ही बसता है। हरियाणा से लेकर के असम और त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनाने में भी योगी आदित्यनाथ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी कैंपेनिंग करना और उनके जो अनुयायी हैं गोरक्षपीठ के, वो लगभग हर जगह मिल जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट जो बयान होता है वो आम जनमानस के हृदय में चला जाता है। उनको लगता है कि यही एक ऐसा नेता है जो सीधी सीधी बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, अल्पसंख्यक जैसे शब्दों के माध्यम से गोलमोल बातें नहीं करता है। सदन में जब खड़ा होता है तो मिट्टी में मिला दूंगा ये बोलने की अगर ताकत किसी में है तो योगी आदित्यनाथ में ही। ये योगी आदित्यनाथ हैं जो सीधे कहते हैं कि जितने भी अगर इस गली में किसी बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर तेरी लाश मिलेगी, ये बोलने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ में है। ऐसे तेज तर्रार और इस प्रकार के डिसीजन लेना और तुरंत कार्रवाई करना, ये योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो एक 50% वोटर है जिसको हम महिला बोलते हैं, वो योगी आदित्यनाथ को अपना हीरो मानती है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के जितने दुश्मन विरोधी हैं उससे ज़्यादा दुश्मन उनकी पार्टी में ही लोग हैं, लेकिन उनकी भी दाल गलनी नहीं है। आपको बता दें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बदले जाएंगे, उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। आपको सीधे सीधे हम बता देते हैं कि जो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं वो पूरी तरह से अभी तक तो होती साकार होती नहीं दिखाई पड़ती हैं। उसके पीछे भी कई कारण हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव में अपने दम पर सरकार बना के दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने के पास एक अवक्षेप जरूर लगा 2024 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, लेकिन उसमें भी योगी आदित्यनाथ बरी हो गए, क्योंकि पूरे के पूरे टिकट पर जो निर्णय हुआ वह केंद्रीय नेतृत्व का रहा और संगठन पूरी तरह से हावी रहा। योगी आदित्यनाथ से खाली कहने को उनकी सलाह ली गई, बाकी करा वही गया जो संगठन ने तय किया या तो अमित शाह ने तय किया। ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बरी हैं। जो लोग बड़े मन में लड्डू फोड़ रहे थे कि इस परफॉर्मेंस के बाद आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे, बड़ी चर्चाएं थी, वह कहीं भी देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि 2027 में योगी आदित्यनाथ इसलिए भी रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग करके कई बार फंस चुकी है, 14 साल तक सत्ता से बाहर रही है। आपको ध्यान होगा कल्याण सिंह, जिनका जलवा इतना जबरदस्त था कि वो उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रदेश में जाते थे तो लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। वह महापुरुष जो श्री राम जन्मभूमि का नायक बनकर के उभरा था और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। हमें वो भी दिन याद है कि जब कल्याण सिंह बंगाल जाते थे तो जिस रोड से निकलते थे उसकी धूल लोग अपने घर के मंदिरों में रखा करते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने यही गलती किया कि कल्याण सिंह को हटा करके जब उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, राम प्रकाश गुप्ता, श्री राजनाथ सिंह, ऐसे कई लोगों का जब नाम आना शुरू हुआ, उसके बाद पार्टी और संगठन गुटबाजी में फंस गया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और 14 साल तक सत्ता में नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी गलती नहीं करने वाली है। योगी आदित्यनाथ के रूप में उसको एक बड़ा फेस मिला है। आज योगी आदित्यनाथ की बराबरी करने वाला उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ता है। अगर भाजपा ऐसी गलती करती है और योगी को हटाती है तो यह तय है कि 2027 भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अभी तक की जो आधिकारिक सूत्रों से आंकड़े आ रहे हैं और जिस सूचनाएं आ रही हैं वह यह बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ अभी भी भाजपा की पहली पसंद है। चाहे जरूरी हो या मजबूरी हो, योगी आदित्यनाथ 27 में रहने वाले हैं और बड़ी बात नहीं करते हैं। 27 के बाद अगर केंद्रीय परिवर्तन होता है तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ को बहुत ज़्यादा समर्थन संघ की तरफ से मिल रहा है। फिलहाल हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जोर दबाइए।